हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। मैं शालिनी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए पोस्टर बनाने वाली हूँ, इसमें हम बनाएंगे भगवान विष्णु को शेष नाग पर बैठे हुए। इसके लिए सबसे पहले मैं बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ और तीन साइड का बॉर्डर ऑलरेडी मैं ड्रॉ कर चुकी हूँ। एक साइड का बॉर्डर अभी मैं आपके सामने ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बाकी जो चारों साइड के बॉर्डर थे, तीन साइड के, वो कैसे बनाए गए थे और आप भी इसे बना सकें। जिसमें मैंने एक सेमी सर्कल बनाया है, लगभग 1.5 इंच चौड़ा बॉर्डर है ये। इसमें मैंने एक सेमी सर्कल बनाया है और उसके एक साइड मैंने कली बनाई है और बाहर की साइड मैंने हाफ फूल बनाया है। और इसमें पूरा पोस्टर हम केवल और केवल ब्लैक कलर से ही बनाने वाले हैं, जिसमें हम ब्लैक कलर से ही पिक्चर ड्रॉ भी करेंगे, कचनी का वर्क भी करेंगे और भरनी का वर्क भी करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमारा बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है और मैं विष्णु भगवान के चेहरे से इस पोस्टर की शुरुआत कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने चेहरे का जो पोर्शन है उसे ड्रॉ किया है और अब मैं नीचे का धड़ बनाऊंगी। इसमें हम विष्णु भगवान के चार हाथ बनाएंगे, जिसमें हम उन्हें शंख, चक्र, गदा और कमल का फूल धारण किए हुए दिखाएंगे। और इसमें मैंने भगवान के चेहरे को छोड़कर बाकी पूरी बॉडी की डबल लाइनिंग करनी है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि हम इसमें टोटली ब्लैक कलर से वर्क करने वाले हैं, इसमें हम कोई दूसरा कलर यूज़ नहीं करेंगे। तो पूरे पोस्टर को ध्यान से देखें, अगर आप साथ बना रहे हैं तो इसकी स्पीड को थोड़ा कम करके, सेटिंग में जाकर इसकी स्पीड को थोड़ा कम करके आप साथ बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि आप देखने के बाद बना सकते हैं तो भी आप वो भी कर सकते हैं। और पूरे पोस्टर को अंत तक ज़रूर देखिएगा, बनाइएगा और अपने एक्सपीरियंस भी मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये पोस्टर भी बाकी पोस्टर्स की तरह पसंद आएगा और आपका साथ मेरे साथ हमेशा ऐसा ही बना रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो पोस्टर हम अभी बना रहे हैं, इसमें मेनली जो चीज़ डिफरेंट है वो ये है कि विष्णु भगवान को अक्सर दिखाया जाता है शेषनाग पर लेटे हुए और लक्ष्मी जी को उनका पैर दबाते हुए, पर इस पोस्टर में हम उन्हें शेषनाग पर बैठा हुआ दिखा रहे हैं, जो कि एक अलग सा ही टॉपिक है। अगर आप शेषनाग पर लेटा हुआ पोस्टर बनाना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं वो पोस्टर भी बना के आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। इस पिक्चर में हमने विष्णु जी को पैर मोड़कर बैठा हुआ पोस्चर जो है उनका वो ड्रॉ कर लिया है और अब जो है मैं उनके हाथ ड्रॉ करूँगी, जिसमें हम उन्हें कमल का फूल, चक्र, शंख और गदा धारण किए हुए बनाएंगे।
फ्रेंड्स, हमारे पोस्टर का जो टॉपिक था वो पूरा बन चुका है और अब जो मैं कर रही हूँ वो है इसमें फिलिंग का वर्क, जिसमें हम फाइन लाइंस और कलरिंग के थ्रू जो है पूरे पोस्टर को भरेंगे, जिसमें टोटल वर्क हम ब्लैक से ही करने वाले हैं। इसमें मैंने ऊपर शेषनाग बनाया है, जिसकी कुछ देर की रिकॉर्डिंग छूट गई गलती से, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई थी, पर आई होप कि आपको देखने के बाद आइडिया आ रहा है। नीचे हमने बस कुछ रिंग्स बनाए, जिसे वो शेषनाग के नीचे का पोर्शन जो है वो बनता है, और ऊपर भी जो ड्राइंग बनाई है वो बहुत सिंपल है। आई होप कि आपको देख के पता लगेगा, अगर आपको ना पता लगे तो आप मुझे मैसेज के थ्रू इन्फॉर्म कर सकते हैं। मैं केवल शेषनाग बनाने का एक पोस्टर आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि शेषनाग कैसे ड्रॉ करते हैं। अब जो वर्क मैं कर रही हूँ वो फिलिंग का वर्क है, जिसमें अभी मैं दुपट्टे में भरने का काम कर रही हूँ। इसमें मैं एक पैटर्न बना रही हूँ ट्रिपल लाइन का, जो सेमी सर्कल टाइप बनता है, और उसमें जो सबसे अंदर वाला पोर्शन है उसमें ब्लैक से फिलिंग कर रही हूँ। तो दोनों ओर का आँचल हम ऐसे ही कंप्लीट कर लेंगे, और फिर ब्लैक कलर की कचनी का वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं कुछ आउटलाइंस को ब्रश पेन की हेल्प से थोड़ा थिक करूंगी, क्योंकि हमने ब्लैक से ही टोटल वर्क किया है, तो अगर एक ही जैसी लाइंस होंगी तो पिक्चर उतनी निखर कर नहीं आएगी। लेकिन जब मैं ब्रश पेन से कुछ आउटलाइनिंग्स को डीप कर दूंगी तो उसके बाद आपको पिक्चर का कंट्रास्ट बढ़ता हुआ दिखेगा और हर चीज़ एकदम क्लैरिटी के साथ दिखेगी। फ्रेंड्स, मैं दोबारा से कह रही हूँ, मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इस पोस्टर का टॉपिक और ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी पसंद आएगा और आप इसे बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ आप अपने जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो बनाते वक्त जो भी आपको लगता है या जो भी आपको सीखने में हेल्प मिलती है, उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि मैं नेक्स्ट पोस्टर में आपकी उस दिक्कत को दूर कर सकूं और सीखने में आपकी पूरी हेल्प कर सकूं।